प्रदीप जी, मैं आपसे जरा हिमाचल की एक कुछ एक खबर ले लूं। आज एक खबर आई है कि हिमाचल में जो कांग्रेस की सरकार है वो छापे आपे मारना शुरू कर दिया है अडानी जी के यहाँ। एक खबर कल उत्तर प्रदेश से आई कि यहाँ पे एक टेंडर, कोई मीटर का टेंडर था अडानी जी का, वो कैंसिल कर दिया गया है। ऐसे समय जब यूपी आज सबसे बड़ा एक अपना ग्लोबल समिट कर रहा है, इन्वेस्टर समिट कर रहा है, उस समय ये करना, मतलब ये कोई विंडो ड्रेसिंग है लोगों का ध्यान ये करने के लिए कि नहीं, हम भी कुछ कर रहे हैं, कि सही में कुछ हो रहा है? प्रदीप चौहान साहब, देखिए, हिमाचल की जो बात आपको कहूँ, हिमाचल में तो सही में हो रहा है, क्योंकि देखिए 2 महीने से जो सीमेंट प्लांट यहाँ बंद पड़े हैं, अडानी ने जो बंद किए हैं उसको लेकर सरकार ने सब तरह से अडानी समूह से बात करने की कोशिश की, उन्हें सब तरह से सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो जस के तस अड़े हुए हैं। तो अब सरकार भी इस मामले को लेकर समझ चुकी है कि अडानी जो है वो मानने वाला नहीं है। तो एक तो उसमें लीगल एक्शन लेने की पूरी तैयारी है। दूसरी बात, जो छापा आपने कहा वो पड़ा, वो जो इनका विल मार्ट के साथ जो स्टोर है उसके टैक्स को लेके था, वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का था। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ जो छानबीन चल रही है पूरी खुलेगी, क्योंकि 7 कंपनीज है अडानी की जो यहाँ पर किसी ना किसी तरह से कुछ काम कर रही है, सीमेंट फैक्ट्री से लेके पुलिस डिपार्टमेंट को राशन सप्लाई करने तक 7 अलग अलग कंपनियां अडानी की काम कर रही हैं, और सारी के सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं पिछली बीजेपी सरकार में, जो अभी बीजेपी सरकार यहाँ की गई थी। इवन की जो सीमेंट के जो जो दो कारखाने इन्होंने लिए हैं, ईसीसी के और अंबुजा के, वो 2022 में इन्होंने एक्वायर किया, और उसी बाद बीजेपी सरकार ने तुरंत उनके जो माइनिंग लाइसेंस है वो रिन्यू कर दिए, उनको नए लाइसेंस दिए 5 साल के लिए। वो अभी तक माइनिंग यूटिलाइज नहीं हुई है, उसकी रॉयल्टी को गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वो भी गवर्नमेंट कैंसिल करने वाली है। वो ये तो बात है कि अब गवर्नमेंट भी यहाँ हिमाचल में पूरी तरह से अब आ गई कि जब आर या पार ही करना है तो क्यों ना फिर शुरुआत कर ही दी जाए, क्योंकि अडानी झुकने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का जैसे आपने कहा कि वो तो आप लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो इसमें ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहूंगा सर, कि जो आज मैंने राज्यसभा में प्रधानमंत्री का भाषण सुना, कल मैंने लोकसभा में सुना था, कल मुझे इतना ज्यादा वो नहीं लगा जितना आज शॉक लगा। हुआ क्या कि जब प्रधानमंत्री अपनी ऐसे ऐसे छाती ठोकते हैं ना, छाती ठोक के कहते हैं एक आदमी सब पे भारी, तो उसका आप कैलकुलेशन निकालिए कि एक तो अहम झलकता है कि कितना अहम है अंदर, और दूसरी बात, जब आप छाती ठोक के कहते हैं ना एक सब पे भारी, तो इसका मतलब जो 200-300 आपके अलावा 302 और जो चुन के आए हैं वो सब के सब नकारा है, वो किसी काम के नहीं है, मतलब अकेले आप हैं जो सब पे भारी हैं। तो ये चीज। और दूसरी बात, राहुल गांधी के भाषण की आपने शुरू में बताया जो सवाल उठाए उन्होंने, आपने उनके 18 कतरे कर दिए और काट दिए गए, लेकिन उसी संसद के पटल पे देश का प्रधानमंत्री आप पे पर्सनल अटैक करता है, आपके परिवार को लेकर बात करता है, जो भी मिश्रा जी ने कही, ये कहता है कि अखबार में खबर छपी थी कि जिस 650 जो है वो योजनाएं गांधी नेहरू परिवार पे है, मैं ऑथेंटिकेट नहीं करता, उसके तथ्य स्पीकर नहीं मांगते हैं, वो रिकॉर्ड में रहेगी बात। कांग्रेस की सरकार साइंटिस्टों की दुश्मन थी, कांग्रेस की सरकार सेना की दुश्मन थी, ये ऐसी बातें रिकॉर्ड पे रहेंगी, इनको नहीं काटा जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने जो बातें उठाई उसको आपने काट दिया गया। तो अब आप देश के प्रधानमंत्री, एक्चुअल में लबो लबाव मैं कहूँ तो जो पिछले 2 दिन के भाषण है, मुझे ना कंगना रनौत का बयान याद आ गया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि आजादी 2014 में मिली थी, मुझे लगता है वो बात सही कह रही, क्योंकि तो जो 2 दिन का अगर प्रधानमंत्री का भाषण सुने तो ऐसा लगता है 2014 से पहले तो हम अफगानिस्तान, सूडान ऐसी कंट्री से कहीं पीछे थे, जिस देश में जिस सरकार के तहत मोबाइल आने से लेकर 4G तक का सफर तय किया, उस सरकार को कहा जा रहा है कि वो आईटी की दुश्मन थी, आईटी में कुछ नहीं किया, आपके खुद को 5G ला, 4G से 5G लाते लाते 8 साल निकल गए, साइंटिस्ट इसरो से लेके चंद्रयान 1 तक जहां सफर तय किया गया वो सरकार साइंटिस्टों की दुश्मन थी, इसको मतलब सब कुछ 2014 के बाद ही हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि सर, एक सदन पे जब प्रधानमंत्री बोलता है पूरा देश सुनता है, प्रधानमंत्री की हर बात पे वजन होता है, प्रधानमंत्री की बात को एक पत्थर की लकीर माना जाता है, वहां पर आप चुनावी सभा का भाषण अगर दोगे तो चुनावी सभा का भाषण दोगे तो इसका मतलब क्या झलकता है, इसका मतलब साफ झलकता है कि आपके अंदर जो सवाल पूछे गए हैं वो इतने चुभे हैं कि आपके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर आई है, और कल कम आई थी, आज ज्यादा बाहर आई है, बल्कि ना तो अगर मैं ठीक शॉर्ट में कहूँ तो इन 2 दिनों का लबालबाव यही निकलता है मेरे साथ। है। मैं प्रदीप जी आपसे जरा एक चीज पूछ लूं, और इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने भी इधर देखा और पहले भी हो रहा था,
अब संसद दोनों लोकसभा राजसभा में खड़गे को बार बार टोका जा रहा है, मतलब सीनियर लोगों को टोका जा रहा है, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उधर से कुछ भी हो रहा है कोई रोक टोक नहीं, इधर वालों को मतलब विपक्ष की पूरी आवाज कम करने की कोशिश की जा रही है। और जो सबसे बड़ी बात ये जो स्पीच है वो एक्सपंज की जा रहे हैं, वो पोर्शन मैं अभी तक जो मैं पार्लियामेंट समझता था इसीलिए शब्द था अनपार्लियामेंट्री भाषा, तो कहीं गाली गलौज किसी ने अपशब्द कहा हो कोई, लेकिन फैक्ट को भी आप अपने हिसाब से ये कौन डिसाइड करेगा, कौन ये कहेगा कि ये गलत है या सही है, ये क्या स्पीकर डिसाइड करेंगे? थोड़ा इस पर मैं समझूंगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर तो चलना। आप अभी तक आप ईडी सीबीआई और ये सब कर रहे थे, आप कहेंगे नहीं पार्लियामेंट के अंदर भी ये चीजें नहीं है। प्रदीप जी देखिए आनंद जी, इस देश की जो है और बीजेपी की, चाहे ना चाहे बीजेपी के साथ दो चीजें जुड़ी, जब इतिहास में बात करेंगे तो इतिहास में पार्लियामेंट की बेस्ट स्पीच भी बीजेपी के नाम ही जाएगी और वर्स्ट स्पीच भी बीजेपी के नाम ही जाएगी। बेस्ट स्पीच अटल बिहारी वाजपेयी की जब उनकी वो सरकार गिरी थी, और वर्स्ट स्पीच का तो आप अभी तक तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम ही जाएगी, आगे और भी होंगी, उनमें से ही कोई ना कोई एक होगी। रही बात खड़गे साहब की, देखिए आप ये जानते हैं कि राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री मोदी पे कोई आक्षेप लगाते हैं तो वो जो लैंग्वेज और जो उनका तीखापन है वो फैक्ट के साथ प्रहार करते हैं, लेकिन खड़गे हार्डकोर पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं, वो उनका जो जवाब देने का तरीका है वो मोदी को मोदी की भाषा में जवाब देते हैं, इसलिए वो उनको खड़गे को बार बार टोका जाता है। और दूसरी बात, अगर खड़गे जी की जगह कोई और होता लीडर तो फिर वहीं वो कार्ड खेल दिया जाता, देखिए मैं तो चाय वाला था, मैं तो ओबीसी से आता हूँ इसलिए मेरे को निशाना बना। खड़गे जी के साथ वो सब नहीं चल सकता, क्योंकि खड़गे जी खुद ऐसी कम्युनिटी से आते हैं। खड़गे जी ने जो एक बात बोली ना कि मोदी जी मेरे हाथ की बनाई तो कोई चाय भी नहीं पीता, उस बयान के बाद वो सारा हथियार इनका टूट गया, इसलिए खड़गे जी की बातों को काटा जाता है। ये फर्क है खड़गे जी को और उनके राहुल गांधी को काटने के लिए। और दूसरी बात, देखिए आपने कहा कि कौन ये तय करेगा, जैसे डॉक्टर सतीश मिश्रा जी ने कहा या अजय सिंह जी से ने कहा कि अब तय तो देखिए जनता ही करेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ढोल जितना बड़ा होता है वो उतना ही भारी बजता है लेकिन अंदर से उतना ही खोखला होता है। ये खोखलापन जो मैंने पहले कहा ना छाती ठोकने के साथ दिख गया लोगों को आज, अब ये तय तो जनता ही करेगी, क्योंकि स्पीकर तो कर नहीं सकता। अगर आप आज की उनकी राज्यसभा की भाषण देखे तो जो हमारे स्पीकर महोदय, क्योंकि मैंने 12-13 साल प्रोफेशनल थिएटर भी किया है तो चेहरे के हाव भाव थोड़े समझते हैं हम, तो जब स्पीकर साहब ऐसे सुन रहे हो तो आप समझ सकते हैं ना कि जैसे स्कूल में बच्चा है ना, कोई मैम कहानी सुना रही होती है, मैम तो बच्चा ऐसे सुनता है, तो उनसे तो आप उम्मीद मत करिए कि वो कुछ करेंगे, तय जनता ही करेगी। लेकिन तो आप सारा दारोमदार है विपक्ष पे कांग्रेस पे कि क्या इस मुद्दे को राफेल की तरह कहीं छोड़ तो नहीं देगी, अगर छोड़ दिया फिर मामला खत्म है। अगर लग रहा है अभी जैसे आप सब लोग भी कह रहे हैं कि नहीं अभी जो कांग्रेस या जो विपक्ष है वो डटा रहेगा इस मामले को लेकर, 24 तक ये मामला अगर गया तो सवाल उठे हैं, जवाब तो मोदी जी को देना ही पड़ेगा। अभी टाल गए हैं लेकिन ये सवाल टले नहीं है, सच्चाई टली नहीं है, जवाब उनको देना पड़ेगा। संसद में ना दें लेकिन जनता के बीच जवाब तो देना पड़ेगा सर, और जनता ही तय करेगी क्या पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है क्या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। जी मैं प्रदीप जी एक बहुत छोटा सा प्रश्न शीतल जी के पास आने से पहले, बहुत छोटा सा, क्योंकि आपने कहा एक प्रोफेशनल थिएटर किए हैं आप, थिएटर समझते हैं, वो जो जिस दिन राहुल गांधी बोले उस दिन ओम बिरला जी का हाव भाव जरा एक टिप्पणी जल्दी से उस पर भी कर देते, जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे और ओम बिरला जी एक उनका हाव भाव उसका जरा एक खुलासा कर देते, आप क्या रीड किए? ओम बिरला जी से ज्यादा जो वो तीन चार लोग उछल उछल के जो काट रहे थे, किरण रिजिजू, मेघवाल जी और वो, उन सब के पास उस दिन मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा था, वो भाव भाव साफ दर्शाते हैं थिएटर की लैंग्वेज में कि वो डर होता ना सर, डर कि आज अगर मेरे से गलती होगी शाम को पापा आएंगे, आज मेरी ऐसी क्लास लेंगे क्या, वो डर उनके सबके चेहरों पे था कि वो थे नहीं दोनों, ना बड़े पापा थे ना छोटे पापा थे संसद में, और इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही है तो वो जो डांट पड़ने का डर था ना वो उन सब चेहरों के साफ दिख रहा था, इसीलिए वो बार बार उछल उछल के काटने की कोशिश कर रहे थे। बेचारे रविशंकर प्रसाद तो किताब लेके, कानून की किताब लेके खड़े हो गए, तो ये वही वही चीज उन स्पीकर साहब के चेहरे पे थी उस वक्त।